नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मेगा एग्जिट पोल में और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। तो एक बड़ी खबर के साथ में और एक साइंटिफिक सर्वे के साथ में हम इसकी शुरुआत करेंगे। एग्जिट पोल में तीसरी बार में मोदी सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल में उत्तर से दक्षिण तक कमल खिल रहा है। एग्जिट पोल में पूर्व से पश्चिम तक बीजेपी को बढ़त देखी जा रही है। अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है और एग्जिट पोल में एनडीए को 355 से लेकर 370 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल में इंडिया को इंडिया गठबंधन की बात करें तो 125 से 140 सीटें मिल सकती हैं और एग्जिट पोल में अन्य की बात की जाए तो 42 से लेकर 52 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। तो एनडीए का जो परचम है वो पूरब से लेकर दक्षिण और उत्तर से लेकर पश्चिम तक लगातार नजर आ रहा है और एग्जिट पोल में सिर्फ बीजेपी अपने दम पर ही सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अगर एनडीए के सीटों को जोड़ दिया जाए तो जो ग्राफ है और ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं इंडी गठबंधन में कई सारे दल साथ में आए, उम्मीद थी कि कुछ बेहतर होगा लेकिन एग्जिट पोल में वो कमाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करें तो 42 से लेकर 52 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है और 355 से लेकर 370 सीटें, ये वो ग्राफ हम आपको बता रहे हैं। और ये देखिए वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 47% सिर्फ एनडीए के पास पे है, इंडी गठबंधन के पास में 33%, अदर्स के खाते में वोट शेयर 20% है। यानी कि सबसे ज्यादा जो वोटों का अंतर है वो आप देखकर समझ सकते हैं कि 47% एनडीए के पास में है वोट परसेंटेज, इसके अलावा इंडी गठबंधन के पास में 33% है। लेकिन सीटें, अगर सीटों की बात की जाए तो ये अंतर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और अब आपको ऑल ओवर डेटा दिखाते हैं न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में किस दल और किस गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं, वो आंकड़ा अब आपके सामने है। वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को 47% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं इंडी गठबंधन को 33% वोट शेयर मिल रहा है। अन्य की बात की जाए तो अन्य को 20% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्राफिक्स के जरिए ये पूरा आंकड़ा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे। और चलिए अब बात कर लेते हैं देश के सबसे बड़े सूबे की, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी को बंपर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। एनडीए को 2019 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को यूपी में 68 से 71 सीटों का अनुमान है। इंडी गठबंधन की बात करें तो 9 से 12 सीटों का अनुमान, कांग्रेस को सिर्फ 3 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पे 80 सीटें हैं और सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं, 64 से लेकर 57 तक। इसके अलावा इंडी के खाते में 9 से लेकर 12 सीटें जा रही हैं। हालांकि यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जब साथ आई तो कहा गया कि कुछ कमाल होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो बड़ा आंकड़ा है वो इस वक्त बीजेपी के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब आंकड़ों की बात कर लेते हैं तो ये ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए कि किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि यहीं से दिल्ली की सियासत निकलती है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमाल नजर आ रहा है, 68 से 71 सीटें। अगर इतनी सीटें बीजेपी के खाते में आती हैं तो उसके बाद पे 2019 का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा और बीजेपी का जो ग्राफ है वो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बढ़ जाएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक साथ हैं और दो लड़कों की जोड़ी इस बार भी अगर मेगा एग्जिट पोल में देखें तो कमाल करती हुई नजर नहीं आ रही है। ये साइंटिफिक सर्वे है जो कि कई भाषाओं में किया गया। इसके अलावा 95,000 लोगों से बातचीत हुई